बाल यौन शोषण के आरोपी जूनियर इंजीनियर राम भवन को सीबीआई ने 5 दिन की रिमांड पर आज बांदा जेल से अपनी कस्टडी में लिया है। इससे पहले सीबीआई टीम ने चीफ मेडिकल अफसर से मुलाकात की और कोरोना से बचाव के लिए पीपीई किट हासिल किया। दरअसल आरोपी कोरोना पॉजिटिव है, उसे सीबीआई पीपीई किट पहनकर पूछताछ करेगी। बता दें कि बुधवार को स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट एडीजे 5 मोहम्मद रिजवान ने सीबीआई की अर्जी स्वीकार करते हुए 26 नवंबर की सुबह 10:30 बजे से 30 नवंबर की शाम 4 बजे तक के लिए रिमांड मंजूर की है। दरअसल स्पेशल जज ने सीबीआई की रिमांड अर्जी सशर्त मंजूर की थी। कहा था कि राज्य सरकार की गाइडलाइंस के मुताबिक कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति को होम आइसोलेशन या क्वारंटीन में रखना होगा। टीम जो है जेल में बंद अभियुक्त राम भवन की रिमांड लेने के लिए आई हुई है, जो कि कोरोना पॉजिटिव है। ठीक है, ये अपने लिए सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराने जो हमारे पास आए थे, जो कि हमने उनको उपलब्ध करा दिया। आपको बता दें कि 16 नवंबर को सीबीआई ने चित्रकूट स्थित उसके आवास से उसे गिरफ्तार किया था। उस पर 10 साल में 50 से अधिक बच्चों के साथ यौन शोषण करने का आरोप है। सीबीआई आरोपी के विदेशी नेटवर्क को खंगालना चाहती है। 18 नवंबर को सीबीआई ने बांदा कोर्ट में 5 दिन की रिमांड अर्जी दाखिल की थी। पंजाब केसरी के लिए बांदा से जफर अहमद की रिपोर्ट।